जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर आपका विकास स्टडी पॉइंट एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज ये हमारा देखो बहुपद एवं गुणनखंड मैथमेटिक्स का दूसरा पार्ट है, ठीक है, बहुपद एवं गुणनखंड का, जो कि हमारा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्पेशली चैप्टर चल रहा था, चौथा चैप्टर चल रहा था, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट कितना है, 2 है। पहले पार्ट में हमने इसकी कुछ बेसिक जानकारी बताई थी और क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन करना भी आपको हमने पार्ट 1 में सिखाए थे। तो आज ये हमारा पार्ट 2 रहेगा और पार्ट 2 में कुछ हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा इनकी आने की संभावना रहेगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को आज हम इस चैप्टर के देखने वाले हैं, तो क्लास को अंत तक जरूर देखना। और जिन्होंने भी इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि रेगुलर आपको क्लासें समय से मिलती रहें। और आपको देखो एक छोटी सी जानकारी मैं और ये दे दूं कि अभी तक हमारी जो मैथ की क्लास थी वो सुबह को 8 बजे से चल रही थी, ठीक है। तो आज से हमारी मैथ की क्लास शाम को 7 बजे से डेली चला करेगी, और केमिस्ट्री की क्लास आपकी डेली 6 बजे से चली रही है, और फिजिक्स की क्लास आपकी 8 बजे से चलती है, ठीक है। तो इस चीज को अभी जितने भी नए स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं या पुराने स्टूडेंट इस जानकारी से रह गए थे, तो यह जानकारी मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। तो आप इस जानकारी को ध्यान में रखना कि क्लासें कितने बजे से चल रही हैं, क्योंकि काफी बच्चों के कमेंट आ जाते हैं कि सर क्लासों का टाइम क्या है आपकी, ठीक है। तो क्लासों का टाइम मैंने आपको बता दिया, आप कोई दोबारा नहीं पूछे, ठीक है ना। तो चलिए कोई बात नहीं है, अब यहाँ पर देखो प्रश्न करना स्टार्ट कर लेते हैं, और लास्ट में आपको बहुत ही अच्छी चीज बताऊंगा। ये जानकारी आपको मैंने पिछली क्लासों में भी दे चुका हूँ वैसे तो मैं, ठीक है, लेकिन एक बार फिर और दे दूंगा मैं ये जानकारी, जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं उनको भी ये जानकारी दोबारा से पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा ये है कि x की पावर 3 + 3x² -kx + 4 में क्या दे रखा है, हमारा x -2 दे रखा है, से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमारा क्या बचता है, k प्राप्त होता है। तो आपको k का मान बताना कि k का मान क्या होगा। देखो ये वाली इक्वेशन को हम क्या मानेंगे, p ऑफ x बराबर कितना है, x की पावर 3 + 3x² -kx + 4, ठीक है ना। अभी देखो जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन सबको नोट करते चलना, जितनी भी क्लासें आपने देखी हैं सारी चीजों को आप नोट करते चलना, इससे बाहर का आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। और उसके बाद हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई x माइनस 2 बराबर 0 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का दूसरी साइड में जाकर काय का हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जहां जहां पर x है वहां पर मुझे 2 रखना है, ठीक है, तो p ऑफ x यहां पर 2 का क्यू हो जाएगा, +3 × 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -k × 2 + 4, ठीक है। अब देखो हमें क्या कहा गया था कि x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल हमें क्या बचता है, k प्राप्त होता है। तो ये हमारा ये p ऑफ x है, इसको हम शेषफल कहेंगे, तो यहां पर k रख दूंगा p ऑफ x की जगह, ठीक है। पहले तो मैं 2 रखूंगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर k रखना पड़ जाएगा मुझे, आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में काफी स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। देखो अब यहाँ पर 2 का क्यू कितना होता है, 8, +2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 4 की मल्टीप्लाई 3 से कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, ठीक है, और -2k हो जाएगा +4। अब देखो 8 × 4 कितने होते हैं, 12, और 12 × 12 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे ना, और -2k इधर आकर कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कहने का मतलब यह है इधर आकर आपका 3k हो जाएगा और यहां पर 24। अब देखो k तो अपनी जगह पर रहा और 24/3 हो जाएगा, तो 3 × 8 = 24 हुआ नहीं हुआ, तो k का मान कितना आ गया, फाइनली 8 आ गया। तो देखो सी वाला यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आ गया होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि यदि y + 3 से व्यंजक, देखो 5y³ + 5y² फिर -6y और -9 पूर्णतः विभाजित है, तो आपको बताना है कि शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, यह आपको बताना है। देखो किस तरीके से करेंगे,
यदि आप इससे इसको भाग देने लग गए तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो आप इसको इजी तरीके से कैसे हल करोगे? देखो यहां पर y प्लस 3 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, अब दूसरी साइड में जाके इसको क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जहां भी y रखा लिखा हुआ है वहां पर मुझे y बराबर कितना लिखना है, माइनस के 3 लिख देना है। जैसे कि यहां पर लिखा मैंने माइनस के 3 का क्यू हो जाएगा, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस के 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 6 गुणा माइनस के 3 और 9, ठीक है। अब देखो 9 3 3 9 9 3 27, तो 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है। तो यहां पर 5 गुणा माइनस के 27 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहां पर कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 9 5 45, तो यहां 45 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो यहां कितना हो गया, 6 3 18 और माइनस 9 हो गया, ठीक है। अब जब आप इसको 27 और 35 की मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 135 आ गया, 135 आ जाएगा हमारा, ठीक है, वो भी माइनस का, ठीक है। फिर प्लस आपका कितना हो जाएगा, 45। अब देखो मैं यहां पर डायरेक्ट ही लिख देता हूं, देखो 45 और 18 को जोड़ो आप, कितना हो जाएगा, 45 और 18 कितने हो गए आपके, 63, ठीक है। तो मैं यहां डायरेक्ट 63 लिख देता हूं और माइनस 9। अब देखो हमें क्या करना है, 135 और प्लस 9 कितने हो जाएंगे, 144, 144 हो गए, नहीं हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि माइनस माइनस के तो जुड़ जाते हैं ना, ठीक है, और प्लस 63, तो यहां पर माइनस के 144 आ जाएंगे। अब हमें 144 में से माइनस करने हैं 63, तो कितना बचेगा, 81, 81 बच जाएगा, वो भी माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है यहां पर, तो सी वाला यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि x की पावर 3 प्लस x और माइनस 3x स्क्वायर माइनस के 3 का गुणन क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप क्या करोगे, इन दोनों में से मैंने x कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से मैंने क्या कॉमन लिया, माइनस के 3 कॉमन ले लिया, तो यहां पर x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 और आपका कितना बच गया, x माइनस के 3 बच गया, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, देखो ए वाला हो गया, ए वाला आप मैच कर लेना, राइट आंसर यह हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर से इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ ज्यादा ऊंचे लेवल के एग्जाम में नहीं बैठना है अभी अपने को, ठीक है, छोटा सा एग्जाम है, बिल्कुल आसानी से आप क्लियर कर सकते हो। और यदि रेगुलर आप क्लासेस देख रहे हो हमारी और घर पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आसानी से इसको एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भाई बताइए, यदि एफ एक्स बराबर कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 को एक्स माइनस 5 द्वारा विभाजित किया जाता है, तब शेषफल क्या होगा। अब देखो जैसा मैंने अभी पीछे के क्वेश्चन आपको करके बताया, ठीक उसी प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, ठीक है। तो यहां पर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, ठीक है, और हमें दे रखा है x माइनस के 5 बराबर 0, ठीक है। तो दूसरी साइड में जाकर क्या हो जाएगा, अभी देखो कुछ बच्चों को यह भी नहीं पता होगा कि बराबर में 0 कहां से आ गया, भाई बराबर में 0 मैंने अपनी तरफ से लिया है, ठीक है, लेट किया इसको, ठीक है, मान लिया मैंने अपनी तरफ से, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसको इस तरीके से करने में। अब जहां पर भी x लिखा हुआ वहां पर मुझे 5 लगाना पड़ेगा, तो यहां पर 5x हो जाएगा, यानी कि f 5 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 5 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 5 प्लस 6, अब क्या हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25, ठीक है, और प्लस के 6, ठीक है ना। तो f 5 बराबर, देखो 25 से तो 25 कैंसिल हो गया ना आपका, तो बचा क्या 6, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो गया, सी वाला हो गया, नहीं हो गया। तो इस प्रकार से आप इस तरीके के क्वेश्चनों को कर सकते हैं, उम्मीद करता हूं कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और प्लस 2yz प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड के गुणनखंड आपको करने हैं। देखो इसको किस तरीके से करेंगे, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस, अब मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के कितना हो जाएगा, 2yz हो जाएगा और फिर प्लस में एक्स प्लस वाई और माइनस जेड, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर
माइनस, अब देखो ये क्या बन गया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया, तो यहां पर मैं कर दूंगा वाई माइनस जेड का स्क्वायर, फिर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, फिर एक्स माइनस वाई प्लस जेड, फिर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है ना, समझ में आ रही है ना ये चीजें, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखो एक्स प्लस वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस वन हो गया, नहीं हो गया, बिल्कुल आप थोड़ा समझने का प्रयास किया करो, आप खुद से भी तो प्रैक्टिस किया करो, आप खुद का भी तो दिमाग लगाया करो, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन हो गया। पूरी पीडीएफ आपको इस चैप्टर की फेसबुक पेज पर मिल जाएगी, वहां से जाके आप डाउनलोड कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा अपने एंड से भी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो गया, देखो कौन सा वाला राइट आंसर हो गया, यहाँ पर बी वाला, ठीक है, तो बी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया। तो देखो इसी के साथ मैं ये क्लास तो यहीं पर समाप्त करता हूँ, ये आपका देखो पार्ट टू था, ठीक है, बहुपद एवं गुणनखंड का, और कल को आपके पार्ट थ्री में पूरे क्वेश्चन आपके करा दिए जाएंगे इस चैप्टर के, ठीक है, पार्ट थ्री में, ठीक है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था क्लास को रिकॉर्ड करने का, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ कि क्लास आपकी बहुत ही छोटी हुई, मेरे ख्याल से 10-11 मिनट की क्लास होगी ये, ठीक है, तो क्लास बहुत छोटी थी, और यहाँ तक भी मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने इस क्लास में आपको बताए हैं, और कल के पार्ट थ्री में इसके सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, मैं ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, वरना तो समाप्त हो जाते अब तक तो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के बचे हुए हैं वो पार्ट थ्री में हम कवर कर लेंगे, कोई परेशान वाली बात नहीं है, ठीक है। एग्जाम होने से कम 20 दिन पहले हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, और जो हमारे लास्ट के 20 दिन बचेंगे ना उसमें टेस्ट सीरीज बहुत ही शानदार तरीके से आपको कराई जाएगी, और यकीन मानिएगा आपका एग्जाम बिल्कुल इजीली निकल जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने की है, ठीक है, बस आपको एक विश्वास बनाए रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि विश्वास से बढ़कर तो और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ देखो ये क्लास तो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और 8 बजे से आप फिजिक्स की क्लास देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।